हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइस, सीबीसी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है। मैं सुबह ही आपको यह अपडेट देता, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं आपको ये अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, इस वक्त मैं आपको ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिसमें कई बड़ी बड़ी चीज़ों को अनाउंसमेंट किया है सीबीसी ने। तो ये चीज़ आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ वीडियो के अंत तक रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना यार, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास में ये लेटेस्ट अपडेट जो है वो पहुंच जाए। गाइज, यहाँ पे इस ये जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है वो आम सर्कुलर की तरह सिर्फ एक पन्नों का नहीं है बल्कि 6 पन्नों का है, ऑफ 6 पेजेस। अब इसमें क्या चीज़ है, मोटे तौर पे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सर्कुलर में कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मतलब जो बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं है उसके बारे में डिस्कस किया है, और साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी, जिनको मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो के अंत तक प्लीज रहिएगा। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि पूरे YouTube पे सबसे फास्ट सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ हम देते हैं। तो गाइज, यहां पे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, और इस सर्कुलर के मुताबिक सीबीएसई ने पहले तो सारा चीज एक्सप्लेन किया है शुरुआती दौर में, शुरुआती के जो पेजेस हैं एक दो पेजेस उसमें बताया कि उन्होंने जो क्लास 12 का रिजल्ट जो बनाया है वो कैसे बनाया, और क्लास 10th का भी आगे जो आने वाला है वो क्या कुछ होकर के आएगा। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने यहां पे बता दिया कि भाई जो क्लास 12 का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है वो 30-30-40 के रेशियो में हुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन गाइज, मैं आपको आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सीबीएसई अपने जो ये जो कहीं मार्क्स का जो गड़बड़ी है ना, इसको कहीं छुपाने वाला भी चीज कोशिश है, और उसका क्या अल्टरनेटिव निकलेगा ये भी बताने का कोशिश है, और इस सर्कुलर के द्वारा ये चीज़ दूर करने का इन्होंने कोशिश किया है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई रिजल्ट जो हमने बनाया वो बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाने की कोशिश की है। सीबीएसई ये क्लेम कर रही है, गौर कीजिए, सीबीएसई ये दावा कर रही है कि हमने बहुत ये काफ़ी साफ सुथरे तरीके से बनाया है, प्रैक्टिकल जो स्कूलों की तरफ से जो मार्क्स मिला इंटरनल असेसमेंट उन मार्क्स को भी कंसिडरेशन में रखा गया, फिर उसके ऊपर में पूरा कवर करने के लिए रिजल्ट कैसा बन रहा है इसके लिए रिजल्ट कमिटी भी बनाई गई थी जो कि इंस्पेक्शन कर सके कि स्कूल अच्छा मार्क्स सब बच्चे को दे रही है या सही मार्क्स से दे रही है कि नहीं दे रही है। लेकिन गाइज, यहां पे मुझे हंसी आ रहा है कि अगर रिजल्ट कमेटी ने अपना काम किया होता तो आप ही लोग बताओ, क्या बड़े संख्या में पूरे देश भर से जो गड़बड़ियां पकड़ करके आ रही थी कि स्कूल्स भर भर के मार्क्स दे रहे थे वो कैसे निकल करके आया, जो कि हर न्यूज चैनल्स में हर न्यूज पेपर में मौजूद है इस बात की गवाही। तो क्या रिजल्ट कमेटी भी मिली हुई थी, यहां पर बड़ा बात है। लेकिन गाइज, अभी इन्होंने कहा है सीबीएसई ने कि भाई वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे पूरे रिकॉर्ड का, और कई सारे जो टीम्स हैं उसको सेटअप किया गया था। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं कि कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर के सीबीएसई ने एक बड़ा अपडेट दे दिया है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अगर आप सब ने भी जेई मेन एंड एडवांस 2022 को टारगेट किया है, अगर आप भी इस प्रेस्टीजियस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट एंड बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल, क्योंकि 28 जुलाई से अन अकेडमी ने शुरू किया है एक यूनिक बैच फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, एमर्ज बैच क्लास 11th जेईई मेन एंड एडवांस्ड 2023, जिसमें एक्सपर्ट एजुकेटर्स लाइक ओम शर्मा सर, कपिल राणा सर, आशीष मिश्रा सर एंड मेनी अदर एक्सपर्ट एजुकेटर्स विल गाइड यू ऑल। और अब आप सब आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप सब ने अपने टारगेट एम तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्स को चुन ही लिया होगा। तो गाइज, अब जल्दी से अपने कोर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें क्योंकि प्राइस हाइक इज कमिंग सून। तो लीजिए अपने मनपसंद सब्सक्रिप्शन को और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को, और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट तुरंत। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, Choose and join the batch now. For more details, go to the link in description. तो गाइज, यहां पे सीबीएसई ने कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर के एक बड़ा अपडेट दिया है कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्टूडेंट्स काउंट होंगे, मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा और उनके अंदर उसके अंदर में किन स्टूडेंट्स को रखा जा सकता है। पहला बात, सीबीएसई ने इस सर्कुलर में यह चीज कंफर्म किया है कि 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में ही कंपार्टमेंट एग्जाम का डेट पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात कि 3 तरह के स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम्स की श्रेणी में रखा गया है। पहला, वो स्टूडेंट्स जो अपने मार्क्स से अभी खुश नहीं होंगे वो कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, पहला। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में रजिस्टर किया था
फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हीं लोगों को इसमें चांस मिलेगा, ये दूसरा है। और तीसरा इस श्रेणी में रखा जाएगा उन स्टूडेंट्स को जो कि फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक डिसीजन है गाइज। अब यहां पर मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक पॉइंट इन्होंने रखा है जो कि मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पर यूज हो सकता है, क्योंकि इस बार कॉपी रीवेरीफिक या आप क्लेम नहीं कर सकते इस तरह, मतलब मार्क्स के लिए कॉपी री चेकिंग के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि एग्जाम तो हुआ ही नहीं है। तो यहां पे डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि पॉइंट नंबर 32, सीरियल नंबर 32 जो वहां पे है इस सर्कुलर में, उसके अकॉर्डिंग कि जो भी डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग मार्क्स कैलकुलेशन या रिजल्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो सभी जो डिस्प्यूट होगा यानी कि जो भी मुद्दा बनेगा जिस पे बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, उस रिजल्ट को रेफर कर दिया जाएगा एक कमिटी को, जो कि कमिटी बनाई जाएगी सीबीएसई के द्वारा, और ये डिटेल्ड प्रोसेस जो है वो जल्द ही बनाया जाएगा, मतलब शुरू किया जाएगा और बताया भी जाएगा, इसके लिए सीबीएसई अलग से सर्कुलर जारी करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, क्योंकि मेरे ख्याल से डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला जो ये जो पॉइंट नंबर 32 है, ये आप सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काम का साबित हो सकता है, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था करीब 2 घंटा पहले कि बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं है, गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है उन्होंने स्कूल्स के ऊपर में, फेवरेटिज्म का आरोप लगाया है टीचर्स के ऊपर में कि जो फेवरेट स्टूडेंट थे उनको भर भर के मार्क्स दे दिया गया, जो स्टूडेंट्स टीचर से ट्यूशंस पढ़ते थे उनको मार्क्स दे दिया गया, या जिन्होंने पैसा दिया उन्होंने उनको मार्क्स दे दिया गया। तो अब ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स क्लेम करेंगे उनका जो रिजल्ट है उनको उसको एक कमेटी की तरफ भेज दिया जाएगा, लेकिन वो कब भेजा जाएगा और क्या प्रोसेस होगा ये सीबीएसई अभी बताएगी कुछ ही दिनों के अंदर में, मेरे ख्याल से 2-1 दिनों के अंदर में। और इस सर्कुलर में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताया गया है कि रिजल्ट ऑफ 1060 स्कूल्स अभी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि ऐसे स्कूल्स का कोई रेफरेंस ईयर नहीं था, साथ ही साथ 60,000 स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी रोका गया है, क्योंकि वहां पर भी मुद्दा था स्कूलों का मार्क्स का या डिफॉल्टर वाला मामला था या जो भी मामला था, अभी रोका गया है और ऐसे तमाम स्कूलों का रिजल्ट निकलेगा 5th of August को, एक सप्ताह का टाइम ये लोग ले रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट आपको मैं बता दूं कि कंबाइंड मार्कशीट कम सर्टिफिकेट इस बार जारी होगा आप सबको, गौर कीजिए, मतलब एक ही मार्कशीट जारी होगा जिसमें कि मार्कशीट भी होगा और वो पासिंग सर्टिफिकेट भी माना जाएगा, एक ही सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जबकि हर साल क्या किया जाता था कि अलग अलग से सर्टिफिकेट दिए जाते थे, एक मार्कशीट अलग होता था और एक पासिंग सर्टिफिकेट अलग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, खासतौर पर कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर के और डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यार, मुझे मालूम है आप बच्चे जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हो बहुत समझदार हो, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज सबको शेयर कर दो, क्लास 10th हो 12th हो सबको शेयर कर दो, क्योंकि ये अभी बहुत काम का चीज है, ठीक है। ये अभी YouTube में किसी ने नहीं बताया कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का क्या हो रहा है या कंपार्टमेंट वालों का क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं बताया, तो प्लीज इसको शेयर कर देना, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, जय हिंद जय भारत।